नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान एक्स वाई जेड में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, सामान्य विज्ञान से संबंधित होने वाली है। सामान्य विज्ञान इनकी जनरल जो साइंस है, जनरल साइंस के दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों तीसरे नंबर की वीडियो है, ठीक है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों जिसमें जनरल साइंस से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लगभग छोटी सी वीडियो, लगभग 7-8 मिनट की वीडियो, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों रिएक्टर पैमाने पर कौन सी राशि मापी जाती है, तो ये दोस्तों भूकंप की जो तीव्रता है सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापी जाती है। लेकिन दोस्तों रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, ठीक है। रिएक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। और भूकंप की जो मतलब की तरंगे है वो तीन प्रकार की तरंगे है, एक तो लंबात्मक तरंगे और एक है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे, एक है दोस्तों धरातलीय तरंगे, ठीक है। धरातलीय जो तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी कहलाती है क्योंकि दोस्तों ये भूमि की जो ऊपरी सतह है उसमें मतलब कि सर्वाधिक प्रभाव डालती है। इसकी वजह से जो मतलब कि धरातलीय तरंगे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या विनाशकारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है लेकिन रिएक्टर पैमाने के ऊपर मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो शरीर के जो आंतरिक उपकरण मतलब कि जो अंग है उनका जो परीक्षण किया जाता है वो कौन से उपकरण के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों एंडोस्कोप के द्वारा, ठीक है। एंडोस्कोप का अर्थ होता है यानी कि अंदर देखना, ठीक है। अंदर देखना यानी कि अंदर के जो भी मतलब कि अंग है उनका जो परीक्षण है, परीक्षण का दोस्तों किसके माध्यम से मतलब कि जाँच की जाती है, एंडोस्कोप के द्वारा जाँच की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ई सी जी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो ई सी जी की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये कौन से मतलब कि रोग का पता लगाने के लिए उपयोग में की जाती है, हृदय के रोग से संबंधित है, ठीक है। हृदय के रोग से संबंधित मतलब कि जो जांच करने के लिए यूज की जाती है, ई सी जी का यूज किया जाता है, ठीक है। और कार्डियोग्राफी दोस्तों, हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो हृदय की जो मतलब की गति है उसकी जाँच दोस्तों मतलब कि कौन से ग्राफ में आती है, कार्डियोग्राफी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ई सी जी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हार्ट और जो लंग्स है उनकी जो आवाज़ है दोस्तों, आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यंत्र है स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप के माध्यम से दोस्तों डॉक्टर किसी भी मतलब कि व्यक्ति के शरीर के भीतर जो मतलब कि हृदय की जो धड़कन है जिसको लव डब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हृदय की धड़कन किस नाम से मतलब कि किस नाम से जानी जाती है, लव डब के नाम से जानी जाती है, जिसको सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये यंत्र है स्टेथोस्कोप, ठीक है। और स्टेथोस्कोप जो यंत्र है ये दोस्तों परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और श्वसन की जो दर है, श्वसन की दर को मापने के लिए स्पीरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। स्पीरोमीटर का यूज श्वसन की दर को मापने के लिए यूज किया जाता है और मतलब कि हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है। तो दोस्तों मतलब कि जो स्टेथोस्कोप के माध्यम से रोगी के जो दिल का जो धड़कन है उसकी आवाज़ मतलब कि डॉक्टर के कानों तक कौन से सिद्धांत के माध्यम से पहुंचती है, तो ये सिद्धांत है दोस्तों ध्वनि के बहु परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के बहु परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, उपकरण मापित राशि को सम्मिलित कीजिए। तो उपकरण मापित जो राशि है उनको सम्मिलित करते हैं। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा किस चीज़ को मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर है इसके द्वारा दोस्तों अपेक्षित जो आर्द्रता है, आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों किसका यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो पहले में ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर की बात करें दोस्तों, हाइड्रोमीटर का किस में यूज किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर दोस्तों एक अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और लेक्टोमीटर दोस्तों दूध से संबंधित है और रेडियोमीटर की बात करें दोस्तों ये विकिरण से संबंधित है, ठीक है। तो दूसरे में नंबर फर्स्ट ऑप्शन और तीसरे में ऑप्शन नंबर फोर्थ और चौथे में ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। तो 3142 ऑप्शन कौन से में दिख रहा है, 3142 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? तो दोस्तों आर्द्रता का जो मापन किया जाता है, दोस्तों आर्द्रता का मापन कौन से मीटर के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता का मापन किया जाता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर। और बाकी दोस्तों हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर किस काम में आता है? तो हाइड्रोमीटर आता है दोस्तों द्रव के अंदर जो अपेक्षित घनत्व है, अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए दोस्तों हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और इससे पहले अपन एक दोस्तों लैक्टोमीटर भी देखा था। लैक्टोमीटर दोस्तों दूध की शुद्धता का मापक यंत्र है और दूध की जो अपेक्षित घनत्व है उनको मापने के लिए दोस्तों लैक्टोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, को मापन के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसको मापन के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता के जो स्तर है, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के लिए काम में आता है? तो यहाँ पे दोस्तों हवा के अंदर का जो दबाव है उनको नापने के लिए कौन सा मतलब कि यूज किया जाता है यंत्र? तो ये यंत्र है दोस्तों बेरोमीटर, ठीक है। बेरोमीटर का यूज किस में किया जाता है? हवा का जो दबाव है उसको मापने के लिए बेरोमीटर का यूज किया जाता है। और अल्टीमीटर की बात करें दोस्तों, अल्टीमीटर यूज किया जाता है ऊंचाई को नापने के लिए, ठीक है। ऊंचाई को नापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। और बेरोमीटर दोस्तों वायु जो दाब है उसको नापने के लिए बेरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आंधी आने से पूर्व बेरोमीटर के पारे का जो स्तर है वो मतलब कि किस प्रकार से रहेगा? तो आंधी आने से पहले जो बेरोमीटर है दोस्तों, बेरोमीटर का जो मतलब कि पारा है, इसका स्तर किस प्रकार से रहेगा? तो दोस्तों मतलब कि जो हवा का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, वो हवा का प्रवाह क्षेत्र दोस्तों उच्च दाब से लेकर निम्न दाब की तरफ होता है, ठीक है। तो उच्च दाब से पहले, उच्च दाब से लेकर निम्न दाब की तरफ हवा का जो मतलब कि प्रेशर होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जिस तरफ निम्न दाब होगा उसी तरफ दोस्तों मतलब कि हवा का प्रेशर आएगा, यानी कि आंधी वगैरह जो भी आने की संभावना रहेगी दोस्तों निम्न दाब की तरफ आने की संभावना रहेगी थी, ठीक है। तो आंधी आने से पहले दोस्तों बेरोमीटर का जो मतलब कि जो पारे का जो स्तर है वो किस प्रकार का रहेगा? ये दोस्तों सामान्य स्तर से नीचे रहेगा, ठीक है। सामान्य स्तर से नीचे रहने के बाद ही दोस्तों इस क्षेत्र में आंधी आने की संभावना बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैनोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो मैनोमीटर की बात करें दोस्तों, इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो ये मैनोमीटर दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों गैस का जो दाब है, गैस के दाब का दोस्तों मापन किसके द्वारा किया जाता है? मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों हाइग्रोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और ध्वनि की जो तीव्रता, ध्वनि का तीव्रता या जो वेग है इसको जो मापने के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर किससे संबंधित है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए यंत्र है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य की जो तीव्रता, उसकी किरणों को मापने के लिए उपकरण यूज किया जाता है, वो उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो उपकरण है एक्टिवोमीटर, ठीक है। एक्टिवोमीटर जो सूर्य की जो किरणें हैं उनकी तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों केस्कोग्राफ की बात करें तो केस्कोग्राफ किससे संबंधित है? पौधे की जो वृद्धि है दोस्तों, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए केस्कोग्राफ यंत्र का यूज किया जाता है, ठीक है। और केस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के द्वारा केस्कोग्राफ की खोज की थी। और बेरोमीटर की बात करें दोस्तों, बेरोमीटर किससे संबंधित है? ये बेरोमीटर अपने वायुदाब को मापने के लिए उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाइरेलियोमीटर का उपयोग प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पाइरेलियोमीटर की बात करें दोस्तों, इसका जो मापने के लिए, किसके लिए मापने में उपयोग किया जाता है? तो पाइरेलियोमीटर की बात करें दोस्तों, किससे संबंधित है? सौर विकिरण को मापने के लिए पाइरेलियोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। पाइरेलियोमीटर का यूज सौर विकिरण को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और सौर विकिरण की जो ऐसा इकाई है दोस्तों, वो इकाई क्या हो जाएगी? वाट प्रति वर्ग मीटर, वाट प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। वाट प्रति वर्ग मीटर, ये दोस्तों किसकी इकाई है? सौर विकिरण की इकाई है। नेक्स्ट देखिए, फेदम मापने की इकाई है। तो फेदम के द्वारा किस चीज़ को मापा जाता है? तो फेदम दोस्तों किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? जो जल की जो गहराई है, समुद्रों की जो गहराई है, समुद्रों की गहराई को मापने के लिए कौन सी यूज की जाती है इकाई? फेदम इकाई यूज की जाती है, ठीक है। और समुद्र की जो लंबाई है वो किसको, किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील के अंदर, ठीक है। नॉटिकल मील के अंदर दोस्तों समुद्र की लंबाई को मापा जाता है।
नॉटिकल मील, ठीक है, नॉटिकल मील समुद्र की लंबाई को मापने में किया जाता है। और फेदम कौन किसको मापने की इकाई है, जल की जो गहराई है, समुद्र की जो गहराई है उनको मापने के लिए फेदम इकाई यूज की जाती है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, थर्म किसका यूनिट है। तो थर्म की बात करें दोस्तों, ये थर्म किसका यूनिट है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उष्मा का प्रतीक है, ठीक है। थर्म किसका यूनिट है, उष्मा का यूनिट है। और थर्म की बात करें दोस्तों, ये उष्मीय ऊर्जा को एक मतलब कि गैर ऐसा एक मात्रक है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।